गाइस वेलकम बैक अगेन विद द न्यू एपिसोड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं iTwelve का फोन का आईपॉड के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि ये आईपॉड बिल्कुल आईफोन के आईपॉड की तरह दिखता है और बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह से। प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, जो एप्पल का ओरिजिनल आईपॉड आता है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये उसका कॉपी है जो कि थोड़ा सस्ता आता है और ओरिजिनल खरीदने की औकात नहीं है तो लोकल खरीद के चला रहे हैं। तो फिलहाल काफी सारे लोग ओरिजिनल आईपॉड की अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो मैं उसके लिए आपके लिए ले आया हूँ कॉपी, जो कि काफी हद तक आपको सेम आईफोन के आईपॉड की तरह आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और ऑडियो क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं अपनी इस छोटी सी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो मैं हूँ आपका होस्ट, आप देख रहे हैं एक्स यूट्यूब चैनल, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि इस चैनल पे आपके लाइक ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आते रहते हैं। बॉक्स जो है सिंपल सा बॉक्स है, आपको ऊपर की साइड iTwelve लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, शायद कैमरे में उल्टा दिखे, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो पावर ऑन है, ऑटो पेयरिंग है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसका बॉक्स ओपन करेंगे, मतलब ये वाला बॉक्स नहीं, इसके अंदर के बॉक्स के बॉक्स के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक पेयर भी हो जाएगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक है और इसमें टच सेंसर भी है। 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप है, और क्या चाहिए, 500-600 में आपको 2 घंटे 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है और आईफोन के आईपॉड की तरह लुक भी मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चार्जिंग टाइम है 40 मिनट का, और साथ में इसका पावर बैंक भी आपको मिलता है। और सिंपल सा बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये इसका पूरा मटेरियल जो भी है, और इसमें छोटी सी आपको मैनुअल देखने को मिल जाती है जो किसी काम की नहीं, और आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, अडाप्टर नहीं है, चार्जिंग केबल है। और फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या है। पॉलीथीन तो काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके साइज़ को कंपेयर हम कर सकते हैं, ये आप छोटी वाली रेड वाली यूएसबी एसडी कार्ड की यूएसबी आप जानते होंगे कितनी छोटी होती है, उससे आप देखेंगे कितनी बड़ी है, मतलब मान के चलिए 1.5 गुना, मतलब 1.5 बोले तो 1 और इतना, आप समझ सकते हैं। और फटाफट इसको देखते हैं, निकालते हैं, और देखिए निकालते ही ऑटोमेटिक ये कनेक्ट होने स्टार्ट हो चुका है। और फटाफट देख लेते हैं इसका, मतलब आवाज़ वगैरह चेक कर लेते हैं, और क्या है इस वीडियो में कुछ नहीं, जाते अपने ब्लूटूथ कनेक्शन पे, पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक दोनों साउंड दोनों साइड से कनेक्ट हो चुका है। भाई कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर लेते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम इसको टच से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जस्ट पास में सर टच सेंसर है, एक बार प्रेस करेंगे तो आपका पॉज हो जाएगा जो भी चल रहा है सॉन्ग वगैरह, और दो बार टच करते हैं देखते क्या होता है, आवाज़ कम होगी। मतलब बार बार अगर आप टच करेंगे इसको तो सॉन्ग चेंज हो जाएगा। और फिलहाल इसकी जो वॉइस क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और 500-600 में आपको काफ़ी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी सॉन्ग सुनाता हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, बजट में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और आप चाहें तो इसको बाइक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाई करेंगे तो आपको ये 500-600 का पड़ेगा, अगर ऑफलाइन बाई करते हैं तो ये आपको 300-350 तक मिल सकता है। अगर आप डायरेक्ट सेलर से बाई करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से अगर बाई करते हैं तो आपको ये 350 में पड़ेगा, और वहाँ से आप डायरेक्टली इसको बाई कर सकते हैं। 500 के अंदर आपको एक नंबर का, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये एयरपॉड मिलने वाला है। आने वाली वीडियोज़ में एक और सेम ऐसा एयरपॉड मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, लेकिन वो i7 सीरीज़ का है, और मैं आपको दिखाऊँगा डिफरेंस क्या है दोनों में। और फिलहाल अभी के लिए करते हैं वीडियो को एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल पे आपके लाइक ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।